बिजनौर में राशन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। राशन डीलरों के खिलाफ अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं कि वो पूरा राशन नहीं देते, कम तोलते हैं। ऐसे ऐसे नामों का राशन गटक जाते हैं जो लोग शहर में रहते भी नहीं और उनके आधार दूसरे राशन कार्डों पर जुड़वाकर राशन की कालाबाजारी की जाती है। आज फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है चांदपुर के जमालुद्दीनपुर में, जहां के लोगों ने एक ई रिक्शा चालक को पकड़ लिया जो राशन के गेहूं की बोरियां रिक्शा में लादकर ले जा रहा था। ग्रामीणों ने जैसे ही उसे पकड़ा वो घबरा गया और उसने बताया कि राशन डीलर ने ये गेहूं किसी की दुकान पर भिजवाया है। सुनिए क्या बता रहा है रिक्शा चालक। भैया तू तो मजदूर है, सतवी डीलर का। रुक जा तू हट जा। अच्छा रुक, जी भैया क्या नाम है तुम्हारा? खूबचंद। कहाँ के रहने वाले हो? देव। अच्छा एक बात बताओ खूबचंद जी, जो तुम्हारी ई रिक्शा में जो राशन भर के जा रहा है वो किसका है? ये सतवी डीलर ने फ़ोन करा था, उन्होंने कहा यार हमारे कट्टे पहुँचा दिए हूँ। कहाँ पहुँचाने हैं ये? रईस की दुकान पर। रईस की दुकान, रईस कौन है? मैं तो पता ना। नहीं रईस कहाँ का रहने वाला? कमालपुर का, खानपुर का। गेहूँ की खरीदारी करता है क्या? चौपले पर तो वो लोंडा। अच्छा तो ये तुम खानपुर लेकर जा रहे हो इससे? सतवीर डीलर, राशन डीलर जमालदीपुर। सतवीर से जमालदीपुर के राशन डीलर से लेकर जा रहे हो? अरे तू तो मिल जाएगा, तू क्यों घबरा रहा? हाँ जी तेरा कुछ मैटर ना है, अब ये तो नया लेकर देगा फिर धान है। एक बात तो बताओ, तो तुम तो बैठ खड़ा सा सीज करा, मैं मजदूर आदमी यार, तुम सुनो तो बैठ दो सही, मेरे उसमें के पढ़ लो बताओ। हां तो बैठ, फिर भी हो गई यार भैया सुन तो, बैठ दे नहीं बचवा देंगे यार, ये तो कोई बात नहीं। तो ये कोटे का नाम, अरे तेरे पे कुछ, अरे तू बैठ तो जा, तेरे पे कुछ कोई हो रहा है। दे दे आयो बस चावल अगर यार बेच, तुम मेरे से पढ़ ले। अरे तू तो मजदूर है, तू तो बच जाएगा, तो हम वैसे ही बचा देंगे, तू बैठ तो जा। क्या तू लेने वाला? जिसने दिया वो ले, वो पकड़ जाएगा। अंदाज ही लग गया बस, मगर कभी बाहर का ला रहा, कहाँ का ला रहा, दत्याने का ला रहा, कहाँ का ला रहा, क्या था? मीडिया आएगी। कौन है, किस कार बात करवा किस? हाँ जी कुछ एहसान तो हो जिसका छुड़वा में गया, मीडिया में तो पत्रकार होती है। हाँ जी तो